अर्धकुंवारी का भाई आप भी खुश हो जाओगे भाई, क्या सीन है देखो। हमने कह ही रहे थे पता है, हमारा नंबर अब तक आया नहीं, और अभी देखो 005 हमारा नंबर है और अभी चल रहा है 670। अब देखते हैं आगे चल ही रहे भाई, और कहाँ तक जाना है। गाइस फाइनली हम देखो यहाँ पे आ चुके हैं पार्वती भवन। अब तो कुछ नहीं है और मिलते यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। पढ़ती हूँ यहाँ की वीडियो बनाने दे गाइस। यहाँ पे हम सोए थे देखो, यहाँ पे मैं सोया हुआ था, यहाँ पे हितेश, यहाँ पे संतोष और भाई यहाँ पे सागर। सही थे भाई लेकिन थोड़ी सी कमर कर गई। देखो भाई ये रूम था भाई। और सच्ची बता रहा हूँ भाई, ये रूम हमें तब मिले क्योंकि किसी ने ऑनलाइन करके रखा हुआ था भाई, उसने बुकिंग कैंसिल कर दी, तब जाके हमें ये रूम मिला। अगर नहीं मिलता ना तो भाई हमें ना बाहर सोना पड़ता ठंडक में बहुत ज़्यादा। सेपरेट रूम में मिल जाएंगे क्योंकि देखो शाइन बोर्ड है भाई, आपको ना वहाँ से पहले बुकिंग करनी पड़ेगी तब जाके आपको रूम मिलेगा। 2 महीने पहले भाई, 2.5 महीने पहले कुछ भी हो, आपको अगर रूम चाहिए ना तो भाई सच कह रहा हूँ पहले रूम बुक करो, ऑन द स्पॉट भाई नहीं होता यहाँ पे कुछ भी। हमें पता है मुश्किल से भाई यहाँ पे बहुत रूम मिला है। अब हम जाएंगे यहाँ से चेक करेंगे, पहले हम थोड़ी चाय चाय पियेंगे, नीचे आएंगे, फिर हम चलते बनेंगे आगे की यात्रा के लिए। तो जय माता दी गाइस। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे आगे। देखो ये हमने जो ब्लैंक लेना भाई, हमें पर ब्लैंक के भाई 500 रुपीज़ पड़े थे। और यहाँ पे ये नहीं कि मतलब अब ब्लैंकेट लोगे फिर आपको 500 रुपीज़ आपका आपको पे करने होंगे, जब हम यहाँ से चेकआउट करोगे बाहर जाओगे तो ये आप दोगे फिर आपको दोबारा पैसे मिल जाएंगे। मतलब एक तरफ जो डिपॉजिट वाला जो जैसा सीन होता है ना वही वाला सीन है अभी। और हमारा रूम था ऊपर 5th फ्लोर पे। नेक्स्ट टाइम अगर कभी कुछ प्लान होगा तो हमने यहाँ पे ना पहले से रूम बुक करेंगे, 2-2.5 महीने पहले भाई रूम बुक करना होगा। अब जाएंगे ये देंगे और हम चाय चाय पियेंगे नीचे का, देखते हैं भाई अभी बहुत सही था, बहुत ज़्यादा सही, नींद अच्छी आई थोड़ी सी। हमारे अंकल जी काम कर रहे रात को, कल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई थी कि पूछो भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी। अच्छा हुआ हमने रात के लिए भाई हमारे पास सब कुछ था, ग्लव्स थे, गर्म कपड़े थे, जैकेट स्वेटर वगैरह थे भाई, सब कुछ था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, अगर ये सब नहीं होता ना तो हम सो नहीं पाते थे रात में। ये तो कम यहाँ पे तो यहाँ से लिया था मैंने ब्लैंकेट। यहाँ पे दे रहे उल्टा है तो कितने सारे यहाँ पे। चलो ओके जी, ले भाई यहाँ की वीडियो भी मेरे पास। शैलपुत्री भवन यहाँ पे हम रुके थे, ये देखो यहाँ के माउंटेन्स देखो भाई कितने ज़्यादा सही लग रहे। देखो ये बोर्ड है, तारीफ है 150 पर बेड पर हेड, श्री माता वैष्णो देवी स्थापन बोर्ड। और ये है खास, ये बच्चा तेरा नाम क्या है? मोदी सरकार। अबे मार दी क्यों इसने कर दिया, ये नाम क्या है? संतोष के फ्रेंड थे, मिल गया तो मिला था खास से मेरा बनी वो। ओके यहाँ पे भी बहुत सारे सिस्टम, एक बार यहाँ का व्यू देखो भाई एक नंबर। मतलब कितना 1000 नंबर तक
अभी ये 7 बजे लगा था फोटो वाला 650 कब निकला वो अभी तो सुबह निकला लोग 2 घंटे बाद निकला 660 अभी लगा यहाँ पे आप पाओगे ना तो भाई यहाँ पे ना आपको पर्ची कटानी पड़ेगी और देखो यहाँ से नंबर लगे देखो वहाँ पे नंबर लगा पता है हमने कह ही दे रहे पता है हमारा नंबर अब तक आया ही नहीं और अभी देखो 005 हमारा नंबर है और अभी चल रहा है 670 कम से कम 2-3 घंटे हो गए अब तक नंबर नहीं आया तो हम सोच रहे कि आगे बढ़े देखते अभी तो यहाँ से भवन जाने का रास्ता अब हम यहाँ से जाएंगे देख लो भाई मेरे ख्याल से अभी थोड़ी दूर और है भवन के लिए मैंने तो 5 मिनट का ब्रेक लिया हुआ है वो बंदे तो भाई सारे आगे निकल गए मैं ही पीछे पीछे भाई चलूँगा 5 मिनट ब्रेक लूँगा फिर चलूँगा फिर 5 मिनट ब्रेक लूँगा मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ अब देखते हैं आगे चल ही रहे भाई और कहाँ तक जाना है एम्बुलेंस की भाई यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सी है बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है यहाँ पे जो कितनी ज़्यादा भीड़ रखी भाई कितनी ज़्यादा गाइस देखो अभी हम यहाँ पहुँच गए यहाँ पे है पुलिस चेक पोस्ट ठीक है अब हमें यहाँ से आना है पुलिस चेकिंग करी है अब हमें तो आगे आगे चलते अब माता जी जय माता व्यू देख रहे हैं 50 किलोमीटर अरे वो 2.50 किलोमीटर भवन भाई अब जाके भाई जान पे जाना है 2.50 किलोमीटर चलो हो जाएगा ये भी कर लेंगे पार आराम आराम से चलते रहो बस गाइस फाइनली हम भवन पहुंच चुके हैं देखो वहाँ सामने सामने देखो आपको दिख रहा होगा देखो आगे देखो ये रहा भवन गाइस देखो बस मेरे ख्याल से 500 मीटर और दूर है अब वहाँ जाएंगे भाई फाइनली ये भी भाई पूरा कर दिया हमने भवन उधर से बेटर लग रहा फाइनली हम भवन पहुंच चुके हैं दिख रहा है उधर डालना वहाँ जाएंगे फोटोशूट वगैरह करेंगे और माता देवी वैष्णो के भाई दर्शन करेंगे
हमने देखो अब यहाँ पे आ चुके स्नान घर। गाइस एक बार यहाँ का व्यू देखो, व्यू कितना सही है। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं। हम यहाँ से कहते देखो मैं ना आपको यहाँ का गेट दिखा दूंगा। और देखो भाई अंदर ना बिल्कुल ही फ़ोन अलाउड नहीं था, पर्स कैश भी हमने पॉकेट में रखे हुए थे और बेल्ट भी अलाउड नहीं थी। भाई हमने सब कुछ बैग में रखा हुआ था, लॉकअप मिला था हमें, तो हमने लॉकअप भी लिया था। तो लॉकअप में सब सामान रखे फिर हम वहाँ चले गए, हमने दर्शन किया फिर हम यहाँ पे। बट ये कि यहाँ पे ना अंदर अलाउड नहीं किया फ़ोन वगैरह। वैसे भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे भैरवनाथ के लिए। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, मिलते हैं।